खुशरू, मैं गुंजनी। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर आपके बीच आया है आरती भारत। तो चलिए चलते हैं आज के कुछ प्रमुख खबरों की ओर। बोकारो जिले के बेरमो और गोमिया विधानसभा सीट के लिए मतदान संपन्न होने के बाद बीती देर रात तक ईवीएम स्ट्रांग रूम में जमा करने का सिलसिला जारी रहा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दोनों विधानसभा क्षेत्रों के सारे ईवीएम ब्रजगृह में सील कर दिए गए। गिरिडीह में गर्जे राजनाथ, भाजपा की सरकार में देश की सीमाएं सुरक्षित, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, मगर कोई छेड़े तो छोड़ेंगे भी नहीं, भाजपा को देश की चिंता वोट की नहीं। लातेहार जिले के चंदवा में ट्रक और पिकअप में भिड़ंत, चार घायल, NH-75 पर लुकोइया मोड़ के समीप की घटना। लिट्टीपाड़ा विधानसभा के अंतर्गत हिरणपुर फुटबॉल मैदान में भाजपा प्रत्याशी श्री दानियाल किस्कू के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करते केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी। भारत सरकार के रक्षा मंत्री व भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं विधानसभा चुनाव 2019 के झारखंड के स्टार प्रचारक राजनाथ सिंह के पाकुड़ आगमन व जनसभा को संबोधित करने के कार्यक्रम की सफलता के मुद्दे पर आज जिला भाजपा कार्यालय गोकुलपुर में जिला संयोजक बलरामपुर दुबे की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। लिट्टीपाड़ा प्रखंड छोटा कदम 12 बजे हम गए थे, स्कूल बंद पाया गया। फोन में मास्टर को पूछने पर बताया कि पाकुड़ में मेरा ट्रेनिंग है, इसीलिए स्कूल बंद है। लातेहार के सदर थाना क्षेत्र के नावागढ़ पंचायत के गुजरबंदा जंगल गुरुवार की दोपहर लैंडमाइन से विस्फोटक में एक ग्रामीण की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि एक अन्य ग्रामीण बुरी तरह से घायल हो गया है। 23 दिसंबर को होने वाले मतगणना कार्य को लेकर समाहरणालय के सभागार में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। मतगणना कार्य को लेकर मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक एवं माइक्रो ऑब्जर्वर को मिला प्रशिक्षण, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त निशांत कंवर ने की शिरकत। झरिया विधानसभा झाबुआ प्रत्याशी योगेंद्र यादव ने झरिया विधानसभा क्षेत्र में बाइक रैली निकाली, जिसमें सैकड़ों बाइक पूरे झरिया में भ्रमण किया। 14 से 16 दिसंबर तक महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के शेव गांव में आयोजित 34वां राष्ट्रीय आत्यापात्या प्रतियोगिता में झारखंड राज्य बालक टीम में जामताड़ा से 5 खिलाड़ी का चयन किया गया है। अब तक के लिए बस इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। खबरों को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल आरती भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप लाइव खबरें हमारे Facebook पेज आरती भारत पर भी देख सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। हेलो दोस्तों, क्या आप लोग सच में न्यूज देखना चाहते हैं? मैं भी देखना चाहती हूँ झारखंड से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर को, लेकिन टीवी पर आपको झारखंड से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर नहीं मिलेगी। तो झारखंड से जुड़ी हर एक खबर को देखने के लिए अभी YouTube पर जाइए और सर्च कीजिए आरती भारत को और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को दबाना मत भूलिए। आरती भारत, जहाँ पर आप देख सकते हैं झारखंड से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर को।